मस्त जिंदगी जी रहे थे, अली लोड के दिए थे, मस्त जिंदगी जी रहे थे। Excuse me? अरे मैडम, मेरा बिल था। हाँ जी, मैं एक मिनट अभी कर। अरे आप ही की वीडियो देख रहा था मैं, अभी बिल बनाता हूँ। मिश्रा जी के पास थे ना आप? हाँ जी। 3 नंबर, 600 रुपया जमा आपका, ये हो गया आपकी पर्ची। थैंक यू। अरे अब आप आ गई, हमारा नसीब हो गया। थैंक यू के बदले एक सेल्फी मिल जाएगी। हाँ जी भैया, बिल्कुल तो ले ले फिर। वो अरे मैडम बैग हटा लीजिए ना, वो नहीं तो फिर अच्छी नहीं आएगी सेल्फी। मैं भी कैमरा खुलता है। आ गई मैडम, थैंक यू। जान निकलवाने आया था, जान निकाल ली। त्वरिता, त्वरिता, हेलो, पैसा केस रोकड़ा तो दे दो, कहाँ चल रही है? भाई बड़ा नोट काहे को दे रही हो तुम? छोटा नहीं है, 600 रुपया के लिए इतना बड़ा नोट लूं मैं? अबे जल्दी काट। 2000 की खोल ले तो नहीं मिलेंगे भाई। अबे जल्दी काट, जल्दी काट। अली लोड भाई सबको जानते हैं, जफ्फार भाई को फोन लगा रहा हूँ मैं, रुक जाओ। अबे तूने मेरी त्वरिता जी निकलवा दी। त्वरिता जी फेक होगी। अबे ये तो वेरीफाइड अकाउंट है यार। क्या लिखूं? नहीं यार, नहीं 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 नहीं, मैं आज तुम्हें फैन बनके मिलने वाला था, पर शायद हमारी किस्मत में प्यार लिखा है। क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं? हाँ, व्हाट इफ वी स्किप ऑल दिस और डायरेक्टली डेट पे ही मिले? हेलो, व्हाई कांट आई सी यू? हाय हाय हाय, सो व्हाट्स अप? वो एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में हूँ ना, तो थोड़ा तेज नहीं बोल सकता। ओके, ये थोड़ा वियर्ड नहीं है, पहली बार ऐसे मिल रहे हैं। आई गेस वियर्ड नहीं, बट स्पेशल जरूर है। हाय हाय यार, चलो आई मीट यू इन द इवनिंग, बाय। ओके। सॉरी मैम, वो थोड़ा लेट हो गया। हाय त्वरिता। हाय राघव। मैम कैन आई सिट? एक काम करो, मेन्यू ले आओ। क्या?
नहीं वो मैम बोल रहे हो तो ऑर्डर भी ले आओ। वो क्या है ना, आदत पड़ चुकी है, इट्स जस्ट दैट मैम बोलने की लग गए। नहीं नहीं नहीं, आपसे पहली बार मिल रहा हूँ तो आपका नाम तो गले से ऊपर आ ही नहीं रहा है। मैम इज गुड नो नो लुक एट योर फेस, डरो मत, मजाक कर रही हूँ। और मैम बोलना बंद करो वरना ये डेट कम इंटरव्यू ज्यादा लगेगा। जी वैसे आप सामने से ना फोटोज से ज्यादा सुंदर लगती हो। थैंक यू, वैसे आई जॉली लाइक योर जैकेट। ये मॉल से ली थी बर्थडे पे, आई मीन बर्थडे पे। कूल। वैसे एक क्लीशे क्वेश्चन पूछूं? या गो अहेड। आपने मुझे हैपन पे लाइक क्यों किया? वेल आई ऑब्वियसली लाइक्ड यू एंड मैं डेस्टिनी और कोइंसिडेंस में बिलीव करती हूँ। आई मीन ये केजो की मूवी तो चल नहीं रही कि मेरे सपनों का राजकुमार आएगा और मुझसे मिलके चला जाएगा, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही थोड़ी मेहनत कर लूँ एंड समथिंग जस्ट फेल्ट राइट सो आई गिव यू अ हार्ट। तुमने क्यों लाइक किया? वो आपकी डेट वाली वीडियोस देख देख के डेट पे जाने का सपना तो पूरा करना ही था तो इसलिए लाइक कर दिया। तो फैन मीटअप पे आ जाते हैं ना, क्योंकि सीधे जवाब तो तुम देते नहीं हो मुझे और तुम तो मेरे को लाइक भी नहीं करते यार अगर मैं फेमस नहीं होती तो। पॉइंट आपके फेमस होने का नहीं है, फेमस तो अनुष्का और श्रेया जी भी है ना, पॉइंट ये है कि मुझे कौन पसंद है और मुझे तो आप ही पसंद हो ना। वो दोनों यहाँ होती तो तुम उन्हें भी यही लाइन चिपकाते ना। जस्ट किडिंग। क्या कहेंगे? एक मिनट अब यही है ना, है ना, है ना, पहले बताना चाहिए था ना। आपको पता है मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ, क्या बताऊँ कितना बड़ा फैन हूँ। मैं आपकी सारी टिकटॉक देखता हूँ। पर मैं तो यूट्यूब पर वीडियोस बनाती हूँ। दोनों एक नहीं होते क्या? फिर भी क्या फर्क पड़ता है, फेमस तो है ना। इसी बात पे एक सेल्फी खिंचवाइए। अब बताइए क्या खाएंगे? वन फिल्टर कॉफी फॉर मी एंड वन मोका लाटे विद वनीला व्हिप क्रीम फॉर मैम। ऑल राइट मतलब आप लग रही है। वैसे तुम्हें कैसे पता मैं क्या ऑर्डर करने वाली थी? अब फैन हूँ तो फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि इसके साथ में व्हाइट सॉस पास्ता, वियर्ड कॉम्बिनेशन आई नो, लेकिन यहाँ का पास्ता तो बहुत खराब है, फिर भी ले आता हूँ। वैसे आई एम शॉक्ड बट इम्प्रेस्ड। अरे ये तो मुझे भी पता है, यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है बट फूड थोड़ा ओकेश। अब नहीं वो लीव इट, चलो तुम अपने बारे में कुछ बताओ। व्हाट डू यू डू सर? आई एम डूइंग इंजीनियरिंग, फाइनल ईयर है, उसके बाद एक अच्छी सी आईटी जॉब और फिर फाइनली मैं अपनी खुद की एप्स बनाना शुरू करूंगा। बट इंजीनियरिंग के बाद लोग कॉमेडियंस नहीं बन जाते? मुझे तो ये लगता था। राइट इससे ये चीज तो पक्का पता चल गई कि आपने इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं की है, मतलब अगर की होती तो आपको थोड़ी बहुत तो कॉमेंट। क्या कहा? अरे मतलब कि यार आओ कितने फनी हो यार, इनफैक्ट कितने फनी लग रहा हूँ मैं, लग गए मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा मैं जा ही रहा हूँ। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। राघव रिलैक्स, बैठो एंड रिलैक्स, इट्स ओके। इससे ज्यादा बेइज्जती तो मैं अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में झेल जाती हूँ यार। नहीं मैम वो क्या है ना, मैं इंजीनियरिंग जोक सुन के थोड़ा ट्रिगर हो जाता हूँ बस इसलिए। एक्चुअली आई एम सॉरी, मेरे को तुम्हारे पैशन के बारे में ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। नहीं मैम, मैम सॉरी की बात नहीं है मैम। स्टैंड अप, हाथ उठाओ, वहां जाके मुर्गा बनो। हैं? अब इतना मैम मैम बोलोगे तो तुमसे क्या क्लास वर्क होमवर्क कराऊं? ये डेट है यार, मेरे क्रू के मेंबर्स तक मेरे को टूटू बुलाते हैं। सॉरी मैम, आई मीन सॉरी।
घर में आपके साथ डेट पे आया होता ना, इतना गुस्सा आपको कभी नहीं दिलाता। तू तू ओ तो इनके साथ डेट पे आने के लिए ना हाई स्टैंडर्ड चाहिए। ही मींस स्टैंडर्ड। तू जा रहा है यहाँ से या फिर नहीं जा रहा हूँ। बाय टू टू। यू नो व्हाट, तुम्हें भी इतना वियर्ड हर टाइम लगता है जितना मुझे अभी लग रहा है। क्या फैंस? अलग अलग टाइप के फैंस होते हैं और कुछ बहुत स्वीट होते हैं जो मैसेज करके तुम्हारा दिन बना देते हैं, और कुछ इतने क्रीपी कि उन्हें रिपोर्ट करने के बाद भी ना दिल को सुकून नहीं मिलता, और कुछ ऑफेंड हो जाते हैं। बट जितनी चमकीली और ग्लैमरस लाइफ दिखती है ना उतनी है नहीं। आई मीन वी आर ह्यूमंस टू यार। हाँ बट आपको फैन मीटअप्स के पैसे तो मिलते ही है ना, तो क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब क्या ही पड़ता होगा। Yes, I get paid, Raghav, for my hard work and talent. और अगर इन creepy fans से मिलने के पैसे मिलते हैं ना, तो नहीं चाहिए भाई मुझे ऐसे पैसे। I'm happy with my real fans, real people, जो actually मेरे को support करते हैं, ना कि वो लोग जो मेरी photos पे hot pic dear लिख के peach emoji बना के जाते हैं। अरे नहीं मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। I'm sorry. मुझे सब पता है तुम्हारा कौन सा क्या मतलब था। अब तक I thought you were a decent guy, but I guess I was wrong. मतलब तुम अच्छे लगे, confidently ask out किया, but I guess तुम उन creepy लड़कों के जैसे ही हो जो मेरे को DM पे अजीब अजीब से text भेजते हैं। I'll take a leave. Raghav. Sorry. Ma'am. Twarita. See, I don't know. तुम्हारी जो भी दुनिया है, I've always heard जो लोगों ने मुझे बोला। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एंड आई थिंक यू आर राइट, जब भी कोई फेमस हो जाता है हम उसे इंसान के नजरिए से देखना ही बंद कर देते हैं, उसे गलती करने का या फिर जीने का हक छीन लेते हैं। I'm genuinely sorry. I won't stop you. You can go. तुम नहीं रोकोगे तो चलो मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं, वो तो मैं हीरो बनने के लिए बोल रहा था यार। एंड वन थिंग यार, तुम मुझे एक्टिंग सिखा सकते हो, मेरे को डेट पे जाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं किसके साथ डेट पे जाना है? तुम्हारे साथ। क्यों नहीं जाना क्या? ओ अच्छा, अभिषेक कपूर तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है, राइट? We only need the two of us together. Cause we got love. अगर आप लोग भी अपने सोलमेट्स को ढूंढ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द हैपन ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और प्रथा का आपको पता ही है, बीच में सब हो जाएगा, उसको दबाओ, लात मारो, आई डोंट केयर, प्लीज प्लीज आल्सो लव ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।